इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा। अब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की तरह गया, टॉप पे पहुंचा, टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, u cos अल्फा। ये पार्टिकल नीचे उतरना शुरू हो गया। क्वेश्चन है व्हेन द पार्टिकल डिसेंड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप की पोजीशन से नीचे उतर रहे तो उसका वेलोसिटी का एंगल किसी इंस्टेंट पर कितना हो जाएगा, अल्फा बाय टू। ये देखो ना, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया टेंजेंशियल और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, अल्फा बाय टू। तो बताओ जब ये यहां से यहां पहुंचा पार्टिकल, यहां से यहां, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कुछ ना करें, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक करके आंसर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम है एक, मेरे को वी नहीं पता, मुझे अल्फा बाय टू पता है, मुझे वी नहीं पता, पर वी निकालना आपको आता है, प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है। कैसे, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, तो इसकी वेलोसिटी यू कॉस अल्फा, वेलोसिटी के तो कंपोनेंट हो जाएंगे v cos alpha by 2, v sin alpha by 2, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। इक्वेट कर लेते हैं, u cos alpha is equal to v cos alpha by 2, सॉल्व करके पहले v निकाल लो। तो पहले v की वैल्यू आ गई यहाँ पे, स्टेप क्लियर है। ये प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, इसमें वर्क पर एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ तक। तो प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर तो टॉप के पॉइंट पर मुझे पता ही है u cos alpha, और यहां पर मैंने निकाल लिया v cos अल्फा बाई टू, v की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल कितनी है, हाफ एम यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि टोटल देखो काइनेटिक एनर्जी वेक्टर तो है नहीं, टोटल एनर्जी लेनी पड़ती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो v की वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं। इस पूरे v को यहां से निकालो और यहां पुट करो, और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू पुट कर दी, ये क्या बन गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये क्या बन गया, cos स्क्वायर अल्फा बाय टू। ऐसे बना, मैथ स्टार्ट है, फिजिक्स खत्म हो गई, तो मैथ का कह रहा है इसका स्क्वेयरिंग कर दो, फिर कॉमन निकाल लो, हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो क्या बचा, वन अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पर वन। ठीक, एलसीएम ले लिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, मैथ के लोगों को पता है, मेडिकल में मुझे पता नहीं, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू मैथ में क्या लिखा जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्या हुआ है सबने, हाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पता है, साइन बाई कॉस इज टेन, आंसर मार्क कर लेना जो आएगा आंसर है, बाकी तो मैथ है, ये तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे। मेन कॉन्सेप्ट में आया फिजिक्स का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कनप समझ में आ रहा है, कनप हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम कह लो, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह ही लगती है, दिखती नहीं कभी कभी, बात अलग है, लगती तो हर जगह ही है,
तो जहां एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वहां एनर्जी थ्योरम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? ठीक, इसको एक बार सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो जो मैंने मेथड यूज़ किया बहुत लंबा मेथड, इसको मत देखना, मैं खुद ही नहीं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, डबल इंटीग्रेशन आपको आती नहीं, छोड़ दो। मैं इसको एक सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, दो लाइन के अंदर आप अपना ओरिजिनल तरीका सोचें इसको कैसे क्वेश्चन को करना है, ओरिजिनल तरीका सोचें। इस पहले स्टेप को मत देखना, मतलब कि ये गलत हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन है, किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एफ वेक्टर इज माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये फोर्स एक बॉडी को कहां से कहां लेके जा रही है। ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे लेके जा रही है 0.0 से 0.0 पे लेके आ रही है, फिर a.a पे लेके आ रही है। टू स्टेज प्रोसेस है, पहले बॉडी को x के अलोंग मूव करा रहे हैं, फिर y के अलोंग मूव करवा रहे हैं, आपको नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। मैंने सॉल्यूशन में ना टोटल निकालने की कोशिश की, लंबा हो गया। आप एक काम करो, पहले x का वर्क डन निकाल दो, फिर y का निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। ये कौन सा वेक्टर है कि वेक्टर सम होगा, ऐसे ही ऐड कर दो आंसर। तो W1 निकालें, तो पहले वर्क डन x एक्सिस के अलोंग निकाल लेते हैं। तो x का वर्क डन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो क्या होगा, a कितना a i कैप, ये बात सही है। x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सिर्फ a। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ, ए चेंज हुआ ना, तो ए आई कैप क्लियर है। तो यहां पे वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर की जगह माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट ए आई कैप। तो वर्क डन की वैल्यू माइनस के आई को आई के साथ वाई ए, जे और आई तो जीरो हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। पर एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन किस एक्सिस पे हो रहा है, एक्स पे। वाई कोऑर्डिनेट दोनों जगह पर क्या है, जीरो। तो वाई को जीरो पुट करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि तो काम ही किस पे हो रहा है, एक्स पे। ये बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस में जब वर्क डन निकलेगा तो एफ वेक्टर डॉट ए जे कैप, देख रहे हो ए जे कैप, डिस्प्लेसमेंट तो ए है ओ वाई के अलोंग और पीछे क्या जे कैप है। एफ वेक्टर माइनस के वाई आई कैप एक्स जे कैप डॉट ए जे कैप माइनस के, इसको करने का फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगा, एक्स ए आएगा। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है यहां पे, ए, तो यहां पर एक्स की जगह ए पुट कर दो, चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है।
माइनस के ए स्क्वायर, ऐड कर दो आंसर, मार्क कर लो माइनस के ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है? प्रॉब्लम है इसमें एफ वेरिएबल है वाई और एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एफ एफ का ग्राफ थोड़ी ना इसमें बना हुआ कोई, तो कोऑर्डिनेट दे रहा है, ग्राफ कहाँ प्लॉट किया एफ का उसमें, ये एफ एक एफ वाई एक्स एफ थोड़ी ना है, वाई और एक्स एक्सिस है, ये तो कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, एफ एक्स ग्राफ थोड़ी ना है। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? वाई एक्सिस में ये देखो ना, इसके अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में क्या है ए, इसके अलोंग कितना था वाई कोऑर्डिनेट, जीरो, इसलिए ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया, ये सब हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये आज ही किया हमने, इसमें ये भी हमने कर लिया था, 23rd शीट में सारे क्वेश्चन हो चुके हैं डिस्कस, शीट नंबर 24th में, 24th में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ठीक है, फोर्थ भी हो गया, वो चेंज इन पोटेंशियल जी एम जी एच बाई टू वाला क्वेश्चन है, ये भी हो गया ए बाई टू, टी इज़ रूट एक्स प्लस थ्री भी करवा दिया आज मैंने, चेन वाला क्वेश्चन करवा दिया मैंने, चेन वाली प्रॉब्लम हो गई है, वर्क डन पोटेंशियल ये सब हो गए क्वेश्चन सारे आज के लेक्चर में, यही क्वेश्चन थे, ये भी हो गया टी की पावर थ्री बाई टू वाला क्वेश्चन, टेंजेंशियल फोर्स भी हो गई अभी किया हमने, पावर निकाल लो, ये सारी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिए हमने, ये नहीं किया 15th, इस शीट के बाकी 14 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं, आप चेक करोगे तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब शुरू करो क्वेश्चन नंबर 15, दो ब्लॉक्स हैं एम मास के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर मैंने दोनों को v वेलोसिटी दे दी। देखो जब मैंने इनको v वेलोसिटी दी थी तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग की एनर्जी जीरो थी, मैंने इनको कौन सी एनर्जी दी थी, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, स्प्रिंग एनर्जी जीरो थी, फिर ये खुल गए मैक्सिमम दूरी पे आ गए, जब ये मैक्सिमम दूरी पे आ गए तो स्प्रिंग एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक उस इंस्टेंट पर क्या हो गई जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी में, यहां से एक्स निकाल लेना आंसर, एक्स निकाल लेना आंसर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का सम इज इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी आंसर। अगला क्वेश्चन भी नहीं किया, नेक्स्ट भी करना है आपने, नेक्स्ट यहां तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव ऑन अ रफ ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, एक पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी नॉट, इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, 3/4 तो गई, बची कितनी 1/4, 3/4 गई तो बची 1/4, तो वेलोसिटी का क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ में कोई चेंज नहीं, एम में कोई चेंज नहीं, तो अगर काइनेटिक 1/4 हुई तो वेलोसिटी कितनी हो गई वी नॉट बाई टू, नहीं करके देख लो, अगर वेलोसिटी पहले वी नॉट थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अब कितनी है हाफ एम इंटू वी नॉट बाई टू का स्क्वायर, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाई फोर, तो काइनेटिक बिकम्स 1/4, सही है, अगर काइनेटिक 1/4 हो गई
तो वेलोसिटी यानी कि हाफ हो गई होगी, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें क्या होगी, और टाइम की फॉर्म में ये भी गिवन है कि ऐसा टी टाइम में हुआ, टी नॉट टाइम में हुआ। तो कुछ भी नहीं है इसमें, जब आपको वेलोसिटी पता ही लग गई फिर तो रही कुछ नहीं किया, अप्लाई कर दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको फाइनल पता है, इनिशियल पता है, याद करो फ्रिक्शन का चैप्टर, जब कोई बॉडी स्लाइड करती हुई जाती है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होती है फ्रिक्शन की वजह से, म्यू जी माइनस म्यू जी और टी नॉट, सॉल्व कर लो म्यू आंसर, कुछ बचा ही नहीं फिर तो करने वाला। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर स्टूडेंट बोला क्या मैं इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फिर टाइम कहाँ से लाएगा? तो मोशन की क्वेश्चन तो फिर भी यूज करनी पड़ेगी, फ्रिक्शन तो आ जाएगी, म्यू टाइम एम जी भी हो जाएगा, बट आंसर टाइम की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने काइनेमेटिक ज़्यादा प्रेफर किया, एक ही बार में आंसर आ गया। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो लॉजिक क्लियर है इसका। ये हमने किया हुआ है, मैन और बॉय वाला क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं।